जयंती 2022। सनातन धर्म में गीता जयंती का विशेष महत्व है। एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। आइए जानते हैं गीता जयंती की डेट, पूजा मुहूर्त और महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती मनाई जाती है। इस बार गीता जयंती 3 दिसंबर 2022 को मनाई जाएगी। ये श्रीमद् भगवद् गीता की 5159वीं वर्षगांठ होगी। गीता जयंती महत्व। गीता में मनुष्य के जीवन का संपूर्ण सार बताया गया है, जिसमें कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग के उपदेश शामिल है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देकर अर्जुन को सांसारिक मोह से मुक्ति दिलाई थी और सही गलत का अंतर बताया था। मार्गशीर्ष मास में कई व्रत एवं पर्व मनाए जाते हैं, इन्हीं में से एक है गीता जयंती पर्व, जिसे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन मोक्षदा एकादशी व्रत भी रखा जाता है। बता दे कि हिंदू धर्म में भगवत गीता का विशेष महत्व है, इसलिए गीता जयंती के दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ भगवत गीता की भी पूजा की जाती है। साथ ही कई जगहों पर गीता जयंती के संदर्भ में कार्यक्रम रखे जाते हैं और गीता के उपदेश को अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाभारत के युद्ध में जब धनुर्धर अर्जुन दुविधा में फंसे हुए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको गीता का उपदेश दिया था। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 03 दिसंबर 2022 शनिवार के दिन सुबह 5:33 पर होगा और इसका समापन अगले दिन यानी 04 दिसंबर को सुबह 5:34 पर होगा। इसलिए गीता जयंती पर्व व मोक्षदा एकादशी व्रत 3 दिसंबर के दिन रखा जाएगा। गीता जयंती और मोक्षदा। पौराणिक कथाओं के अनुसार गीता जयंती के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और जीवन के अमूल्य रहस्यों से अवगत कराया था। इसलिए इस दिन जीवन में नकारात्मकता रूपी अंधकार को दूर करने के लिए भगवत गीता की पूजा की जाती है। वहीं शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि मोक्षदा एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से और व्रत रखने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी पूजा विधि। गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण और भगवत गीता की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान कर लें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा के दौरान श्री कृष्ण को धूप, दीप, गंध, पुष्प आदि अर्पित करें और ऐसा ही श्रीमद् भागवत गीता की पूजा के दौरान भी करें। एकादशी के व्रत के दिन दीप दान करना बिल्कुल ना भूलें। गीता जयंती के दिन गीता श्रीमद् भगवद् गीता का पाठ करना चाहिए। इसके लिए पहले फूल अक्षत से ग्रंथ की पूजा करें और फिर पाठ की शुरुआत करें। इसके बाद संभव हो तो गीता ग्रंथ को बच्चों और लोगों में दान करें। अन्न, वस्त्र और धन का दान भी कर सकते हैं, इससे श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। गीता में मनुष्य के जीवन का संपूर्ण सार बताया गया है, जिसमें कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग के उपदेश शामिल है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देकर अर्जुन को सांसारिक मोह से मुक्ति दिलाई थी और सही गलत का अंतर बताया था। कहते हैं कि रणभूमि में अर्जुन ने अपने समक्ष सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो गए थे और शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया था। तब सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के ज्ञान चक्षु खोलने के लिए गीता उपदेश दिए थे, जिसके बाद अर्जुन ने पूरी ताकत से युद्ध लड़ा और कौरवों को पराजित किया। गीता व्यक्ति के विचारों में शुद्धिकरण लाती है। गीता के उपदेश में इतनी शक्ति है कि इसका पालन करने वाला मनुष्य अच्छे बुरे का फर्क समझ पाता है। गीता के श्लोक में जीवन जीने की अद्भुत कला सिखाई है। इस दिन गीता पाठ करने से श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है।